आज ईद उल अजहा पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाई जाएगी। कुर्बानी में रह गए चंद घंटे बाकी, जल्दी से खरीद लो जानवर, कहीं कोई रह न जाए बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों के भाव ताव में तेजी, व्यापारियों ने भी निरखों में कमी कर दी। मुल्तान पीपी 217 के नौ मुंतखब एमपी का निराला अंदाज, पीपी 217 की मुनासबत से होगी 217 कुर्बानियां, बड़ी तादाद में खूबसूरत जानवर देखने के लिए शहरियों का रश। मुल्तान में पीटीआई के रुकन सुबाई असम्बली हाजी जावेद अख्तर इंसारी के डेरे पर खूबसूरत सफेद बकरों की धूम, राजनपुर नस्ल के बकरों को देखने के लिए शहरी उमड़ आए। कुर्बानी के जानवरों को पालने का निराला शौक, मुल्तान के निजी फार्म हाउस में इमरान खान और जहांगीर तनी नामी बैलों के चर्चे, सहराई जहाजों की जोड़ी लैला मजनू ने भी मचाई खूब धूम, शहरियों की बड़ी तादाद भारी भरकम जानवरों को देखने फार्म हाउस पहुंच गई। कुर्बानी के जानवरों की आओ भगत करके बच्चे खुशी से निहाल, किसी का नाम रखा बच्चों ने शेरू, कोई बना बच्चों का लाल, कोई खिला रहा है घास तो कोई पिला रहा है पानी, क्योंकि चंद घंटों बाद होगी जानवरों की कुर्बानी, बच्चे अपने प्यारे जानवरों के कुर्बान होने का सोचकर गमजदा। कुर्बानी के बैल निसाब के बाद में लगवाई मालिकान की दौड़े, बैल आगे और अवाम पीछे पीछे, एक घंटे की दगोदो के बाद आखिरकार बैल काबू में आ ही गया। उधर खानपुर में कुर्बानी का बिफरा बछड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच गया, बेकाबू बैल को देखकर मुसाफिरों की दौड़ें लग गईं। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ईद कुर्बान आज मनाई जाएगी। मुल्तान में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, बहावलपुर में 1300 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार फराइज सर अंजाम देंगे। डीडी खान बखर मियांवाली समेत जनूबी पंजाब में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जनूबी पंजाब समेत सूबे भर में ईद उल अज़हा पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत, मुतलका महकमों को सख्ती से हिदायत पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। ईद कुर्बान पर शहर को साफ रखने में अवाम हमारी मदद करे, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक ने खुद घर घर शॉपिंग बैग तकसीम किए। उधर बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहरों में शॉपिंग बैग तकसीम, इंतजामिया का कहना है कि शहर भर में 1,00,000 शॉपिंग बैग तकसीम किए जाएंगे। म्युनिसिपल कमेटी मेलसी ने शहरियों में 2800 प्लास्टिक बैग तकसीम किए। बड़ी ईद पर किसी को माहौल आलूदा करने की इजाजत नहीं देंगे, जिला इंतजामिया डीजी खान का बड़ी ईद पर बड़ा फैसला, गली मोहल्लों में सिरिपाए जलाने पर पाबंदी, डिप्टी कमिश्नर डीजी खान के अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत। ईद कुर्बान पर सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान, महंगाई ने कर दिया सबको परेशान, धनिए ने दिखाई हरी झंडी तो लीमू ने कीमतों ने किए दांत खट्टे, टमाटर की कीमतें सुनकर शहरी हुए लाल पीले, अशिया आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। उधर असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान आगा जहीर अब्बास चराजी कहते हैं कि ग्राम फरोशी पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। बड़ी ईद ने किया महंगाई का बड़ा तूफान बपा, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा, दो दिनों में एलपीजी गैस 120 रुपए से 180 रुपए तक जा पहुंची, गरीब आवाम परेशान, सिरिपाए भूनने वाले भी शिकवा कुना। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे सातवें आसमान पर, मनमाने निरखों पर बुकिंग जारी, वही शहरी मौसमी कसाईयों के हाथों लुटने पर मजबूर। पीछे बाराती आगे बंड बाजा,
आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। दुल्हे राजा के अधूरे रह गए अरमान, दुल्हन फरार हुई तो हुए बाराती परेशान। शुजाबाद में दुल्हन फरार होने के वाके में पेश रफ्त, पुलिस ने दुल्हन की बहन को तलाश कर लिया। बहन का कहना है कि वालदा ने शादी करने से इनकार कर दिया है। गुज़श्ता रात बारात लड़की वालों के घर पहुंचने तमाम अपना गायब थे। बिहारी में इंसानी सोच वाकया, एक और शख्स परसूदा पंचायत की भीड़ चढ़ गया। लड़की को छेड़ने के इल्जाम में इरफान नामी शख्स का मुंह काला और जूतों का हार पहनाकर गदा रेड़ी पर घुमाया। डीपीओ का वाके पर मौकिफ देने से इनकार। एसडीपीओ सरदार जफर डोगर कहते हैं कि वाके में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चिश्तिया में छठी जमात के बच्चे के साथ ज्यादती का मामला। डीपीओ अमारात हर नन्नी परी से मिलने टीएचक्यू अस्पताल पहुंच गई। वाके का नोटिस लेते हुए वरसा को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। मुलजिम उमर फारूक को पुलिस ने खैरपुर से गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात। सूबाई काबीना की तश्कील पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब की आवाम ने नए पाकिस्तान की आवाज पर लब्बैक कहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ईद उल अज़हा लाहौर में मनाएंगे। वज़ीर आला का 23 अगस्त को आबाई इलाका बारथी का दौरा मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर डीजे खान अली अकबर भट्टी का तौंसा का दौरा। करीबी अजीजों से मुलाकात की, रूट्स की सफाई, सिक्योरिटी और दीगर मामलों के साथ हेलीपैड और महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने इलाके का मुतवक्के दौरा। डीपीओ डीजे खान इमरान याकूब ने सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दे दी। डीपीओ का मुल्तान ट्रांसफर किए गए इंस्पेक्टर्स को वापस बुलाने के लिए भी एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट को मनाफा। सिंध के नामजद गवर्नर इमरान इस्माइल मुल्तान पुलिस मुकदमे में नामजद मुलजिम निकले। 2010 में इमरान इस्माइल के खिलाफ थाना मुमताजाबाद में 40 लाख के चेक डिसऑनर होने का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस तफ्तीश में इमरान इस्माइल और उनके साथी नदीम हसनैन को अदम पताफ करार। मुकदमे की मुद्दई जमील अख्तर का कहना है कि चेक डिसऑनर होने पर मुकदमा दर्ज कराया लेकिन अभी तक रकम नहीं मिली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अपील है कि रकम वापस दिलवाई जाए। जिसकी वजह से मैं कराची इनसे मिलने गया और इन लोगों से बातचीत की, वहां जाके मुझे मालूम हुआ कि इन्होंने माल तैयार ही नहीं किया। सीपीओ मुल्तान मुनीर मसूद का कहना है कि नामजद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के खिलाफ एफआईआर से लाइल था। मेरे इल्म में सूरत हाल अब आई है, इस हवाले से मामलात का जायजा लिया जाएगा। देखिए मैंने इसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि जो कि आपने अभी हमें इन्फॉर्मेशन ये हमारे साथ शेयर की है तो मैं इसको चेक करते हैं लेकिन मेरे इल्म में फिलहाल ये बात नहीं है। इमरान इस्माइल सादिक और अमीन नहीं रहे। माहिर कानून दान एडवोकेट शेख गयासुद्दीन का कहना है कि इमरान इस्माइल ने कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए FIR को छुपाया, वो गवर्नर बनने के अहल नहीं। सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि इमरान इस्माइल गवर्नर के काबिल नहीं है क्योंकि गवर्नर का जो ओहदा होता है ये फेडरेशन का है और ये सरकारी ओहदा है, तो इसलिए इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रिमिनल केस ही इज नॉट एलिजिबल टू वर्क एज गवर्नर। नंबर एक, यूसुफ फदा गिलानी की PTI के मरहूम MPA गुलाम अब्बास के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से ताज़ियत की और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। विफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तहरीक इंसाफ के मरहूम MPA गुलाम अब्बास खाकी के घर आमद, इजहार ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कप्तान के विजन को आगे बढ़ाएं, और उम्मीद है कि हम बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाल पाकिस्तान बनाने में कामयाब होंगे। पंजाब की वजारत आला मेरी ख्वाहिश थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान मुझे पंजाब की वजारत आला पर लाना चाहते थे। मुजफ्फरगढ़ बल्दिया का शहर से दूर पोर्ट मंदिरों में गैर आइनी बजट इजलास। ऑपोजिशन अराकीन का गैर आइनी इजलास के खिलाफ एहतजाज। 56 में से 24 अराकीन को पोर्ट मंदिरों ले जाया गया।
اپوزیشن نے بجٹ منسوخ کرنے کے لیے ڈیپٹی کمشنر کو درخواست دی. پولیس ہیلپ لائن پر تنگ کرنا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے. کوٹ ادو میں پولیس ہیلپ لائن 15 پر جھوٹی اطلاع نے شہریوں کو مشکل میں ڈال دیا. ڈکیتی اور فائرنگ کی جھوٹی اطلاع دینے پر پولیس نے دو افراد کو پکڑ لیا. مظفر گڑھ پولیس کا عید پر اہم اقدام. شہدائے پولیس کے اہل خانہ کو عیدی دینے کا فیصلہ. ضلع کے 21 پولیس شہدا کے اہل خانہ کو فی کس 5000 عیدی دی جائے گی. بہاولپور میں عید پر بھی محکمہ صحت کا ڈینگی خاتمے کے لیے آپریشن جاری. ڈی سی کی جانب سے مساجد عیدگاہوں پارکوں قبرستانوں میں ڈینگی اسپرے کرنے کے احکامات جاری. ماہرین صحت کا عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کا مشورہ. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہری کھانے پینے میں توازن سے کام لیں. ادھر فوڈ اتھارٹی کا قربانی کے گوشت کو صحت بخش بنانے کے لیے حفاظتی اقدامات جاری. اور عید چھوٹی ہو یا بڑی صنف نازک کی شاپ تو ضروری ہے. کپڑوں کی خریداری کے ساتھ ساتھ میچنگ جوتے اور چوڑیاں خریدنے خواتین نے کر لیا بازاروں کا رخ.